मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं हमारी आज की खास खबर। देवादिदेव महादेव की भक्ति में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले तल्लीन। गोंदिया जिले के प्रतापगढ़ पहाड़ पर हर साल महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मेले का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन कई सदियों से किया जाता रहा है, ऐसा इतिहासकारों के इतिहास में इसका जिक्र मिल सकता है। देवादिदेव महादेव के भक्ति में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले तल्लीन। प्रतापगढ़ की शिवरात्रि मेले के दौरान नाना पटोले जनता के बीच रहकर यात्रा में आए भक्तों की सेवा में लीन। शिवरात्रि मेले में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले सबसे पहले विघ्न हर्ता गौरी पुत्र गणेश के दर्शन करने के बाद ही शिव पूजा करते हैं। नाना पटोले शिवरात्रि मेले में शिव पूजा के साथ भक्तों के साथ भी नाना पटोले बहुत सहजता के साथ मिलते हैं। अंधकासुर हरा अंतक मद संहरा हरा हर 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 हरो निरताखिल दोषहरा भव संभव भय हरा हरा हर 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 हरो सकल दारिद्र्य हरा संतत नत दुख
हरा 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 हरा। कितने लोगों की व्यवस्था की गई है महाप्रसाद? यहाँ पे मनोहर भाई पटेल एकेडमी की तरफ से 1,00,000 लोगों की महाप्रसाद की व्यवस्था की गई है, जिसमें महाप्रसाद और साबूदाने की खिचड़ी एक अलग, जिनका उपास रहता है उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है। ये कितने वर्षों से कार्यक्रम चल रहा है? यह सतत 12 वर्षों से कार्यक्रम चालू है, जिसमें हमारे आदरणीय नेता प्रफुल्ल भाई पटेल के प्रफुल्ल भाई पटेल और वर्षाबेन पटेल जो मनोहर भाई पटेल एकेडमी की अध्यक्षा हैं, उनके नेतृत्व में यह काम किया जाता है, जिसमें राजेंद्र जैन जी प्रमुख हैं, जिनके नेतृत्व में यह पूरा कार्यक्रम चलते रहता है। ये लोग कितने बजे आने वाले? वर्षाबेन पटेल 10:30 बजे आने वाली है यहाँ पे, प्रफुल्ल भाई जी गोंदिया में आने वाले हैं और गायमुख जाने वाले हैं। नौ सवा नौ बजे चालू हो जाएगा, क्योंकि अभी महाप्रसाद लेके ऊपर गए हुए हमारे कुछ लोग, वो वापस आएंगे उसके बाद ही चालू करते हैं। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।